तो वो आए स्क्रीन पर मेरे साथ बहस करने लगे, उनके स्पोक्स पर्सन थे वो, ठीक है। तो मैंने उनसे कहा कि आपने ये फतवा जारी किया, तो उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने मौलाना साहब ने जारी किया जनगण मन पे, वंदे मातरम पर, ठीक है, सुनिए ना, वंदे मातरम पर। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया, तो आपने फतवा जारी किया है साहब, तो ये बताइए कि आपकी औलादे हैं? तो उन्होंने कहा माशाल्लाह से मेरी दो औलादे हैं, दो बच्चे हैं मेरे। मैंने कहा अच्छा, और जिन्होंने फतवा जारी किया उनके? बोले उनके भी तीन बच्चे हैं। ये मैं डिजिट में इधर उधर हो सकता है लेकिन ये, तो मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया, ये पढ़ते कहाँ हैं? तो ये जो साहब मेरे साथ बैठे हुए थे और जो मौलाना जिन्होंने फतवा जारी किया, इन दोनों के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे वहां पर। और वहां मैंने स्कूल में फोन करके पूछा तो वहां वंदे मातरम होता है, वहां पर बाकायदा प्रेयर होती है, वहां पर इंग्लिश में भी प्रेयर होती है, हिंदू हिंदी में भी प्रेयर होती है, और वंदे मातरम भी गाया जाता है। उनके बच्चे साहब बहुत मजे में गाएंगे पढ़ेंगे, लेकिन फतवा जारी करेंगे वो पकड़ेंगे, ठीक है। आप ये कहना चाहते हैं आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? मदरसे में पढ़ते हैं मौलाना साहब? मैं आपके साथ दिया अगर यही सवाल पूछूं तो मुझे बताइए ना, मुझे 30 सेकंड आपके बच्चे पढ़ते हैं कहाँ पढ़ते हैं? 30 सेकंड दीजिए। अगर मैं ये कौन सी बात है? अरे मैं कहता हूँ दो बच्चे मेरा हाफिज़े कुरान होगा, वहाँ जबरदस्ती करवाना चाहते हैं, स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं। भूमिका मैं कह देता हूँ भाई, भूमिका अगर आपकी तबीयत को खुश रही है तो मैं कह देता हूँ वो श्लोक सर्वोच्च न्यायालय पर रूमिका लियाकत के बच्चे ना पढ़े, नहीं मेरे बच्चे वंदे मातरम नहीं के बच्चे पढ़े, नहीं कह सकते, प्रार्थना ना पढ़े हमारे बच्चे, नहीं। बहुत बढ़िया सर, ये मत कीजिए, हिपोक्रेसी कहलाती है ये कि आप मजे में रहे, काजू बादाम खाएं और बाकियों को मूंगफली खिलाएं। जैसे नहीं नहीं ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं चल सकता है। आज एक्सपोज हो गए मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मौलाना साहब अव्वल तो जब आप अपनी बात कर रहे थे पांच बार तो ओम आपने बोल दिया, अब ओम बोलने से अगर आपका इस्लाम खतरे में आ जाता है तो मुझे समझ में नहीं आता है। बातें आप करें, प्रार्थना में ओम बोल रहे हैं भाई, लोग वहाँ प्रार्थना में ओम बोल रहे हैं। ओम का मतलब ये थोड़ी है कि उन्होंने अपनी रूह में जज्ब कर लिया है। ओम कहने से क्या, मैं बचपन से ओम भूर भुवस्वः ये पढ़ती आई हूँ, कहने से हिंदू हो जाता है कोई, भगवान कहने से कोई हिंदू बन जाता है, ऐसा नहीं है। मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती आई हूँ, नहीं बनता, लेकिन उसको कंटिन्यू करने से, उसमें ध्यान करने से, नहीं नहीं घनश्याम तिवारी थोड़े बड़े मुसलमान हो गए, आप बड़े हिंदू हो गए, आप कम, आप सबसे बड़े मुसलमान, ये समाजवादी के प्रवक्ता है लेकिन हिंदू भी तो है ना, उसके विरुद्ध बोल नहीं सकते मौलाना साहब, उसके विरुद्ध ये बोल ही नहीं सकते, ये ऐसे बोल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं समाजवादी के प्रवक्ता होने के साथ साथ ये हिंदू है, चर्चाएं होनी चाहिए। और आप कहां, मतलब मेरे सच में समझ में नहीं आ रहा है, समझ में ना आए तो जरूरी नहीं है, डिबेट हो सकता है रूबी का, सारी बात आपके समझ में आए तो कैसे होगा? मदरसे में पढ़ाइए ना, अगर इस्लाम की इतनी जानकारी, आपको तो इस पर भी एतराज है, आपको इस पर भी एतराज है, कोई एतराज है? हमें कोई एतराज, डिबेट चल रही है उस पर, हमें मदरसों में 4% बच्चों को पढ़ाया जाता है, हमें कोई, आप लोगों को तो उस पर भी एतराज है। प्रोफेसर सिन्हा पल्लवी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, ये आपके जो क्लाइंट है इन्होंने क्या सोच के ये याचिका डाली है, क्या सोच के, वो क्या चाहते हैं? कुछ एडिशन होता तो समझ में आता, प्रेयर्स हटा दी जाए, हिंदी से प्रॉब्लम है, संस्कृत से प्रॉब्लम है, ध्यान से प्रॉब्लम है, किससे प्रॉब्लम है आपकी याचिकाकर्ता को? बेसिकली जो इसमें पिटिशनर है वो एक एथीस्ट है, एक रैशनलिस्ट इंसान है जो साइंटिफिक टेम्परमेंट को स्कूल्स में प्रमोट करना चाहते हैं। उनके खुद के दो बच्चे केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स में पढ़े हैं, वहां से पास आउट है। एक लॉजिक इस बात में समझ नहीं आता, ठीक है, मैं अभी फिलहाल माइनॉरिटी कम्युनिटीज की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ टाइम के लिए मैं अभी फोकस उस तबके पे कर रही हूँ जो नास्तिक है, जो किसी रिलीजन को नहीं मानता, जो प्रेयर नाम की किसी चीज उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। उनको दो घंटे धूप में हाथ फोल्ड करके उस बच्चे को खड़े रखने का क्या मतलब है? क्या उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वो वायलेशन है कि नहीं है? हाँ है, बिल्कुल है, अंडर आर्टिकल 25(1) जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, जो बोलता है कि आप कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीच कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको ये भी फ्रीडम देता है कि आप एक नास्तिक बन के भी इंडिया में अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अपनी राइट्स को क्लेम कर सकते हैं। 30 more seconds. ओके, थैंक यू। तो ऐसे तबके के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को बिल्कुल वायलेट करना, उनको इग्नोर करना, इस सोच को आगे रखते हुए, इस सोच को प्राथमिकता देते हुए ये पेटिशनर ने ये PIL जारी किया है। ऑल राइट पल्लवी, इस पर बहुत बहस हो सकती है, वही बात जो बार बार जहन में आ रही थी कि क्या सोच इसके पीछे हो सकती है, बेसिकली कोई सोच ही नहीं है। दो घंटे धूप में क्या मतलब है? आप ये चाहते हैं कि जो आपको शक्ति मिल रही है, और वो शक्ति किसी भी किस्म की हो सकती है, धूप में खड़े होने की भी शक्ति हो सकती है, रेजिस्टेंस, और इसमें कहां से कोई भगवान आ गया? अस्तोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, लेकिन आप उसको बहुत कन्वीनियंटली पढ़ रहे हैं, आप
उसका वो पार्ट काट रहे हैं जहां से वो स्टार्ट होता है। आप प्लीज देखिए, वो ओम सह नावतु सह नो भुनकतु, वो ओम से स्टार्ट होता है एंड वी नो इट स्टार्ट्स। एंड हमें पता है कि ओम एक बेसिकली एक रिलीजियस कॉनोटेशन होल्ड करता है एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए। गॉड, आई मस्ट टेल यू दिस के एक साइंटिफिक रिसर्च बकायदा आई थी और उसमें जब पृथ्वी के पूरे साउंड को स्टडी किया गया था उसमें भी कुछ करके ही आवाज आ रही थी। आप उसको कहीं से कहीं आप जोड़ कर और कह दे नहीं सिर्फ हिंदू से, मेरे समझ में ये बात नहीं आ रही। लाहौटी जी, आई वॉन्ट टू ब्रिंग यू, ओके एक बार मैं 1.5 मिनट खत्म कर दूं। बहुत बहुत बड़ा पैनल है पल्लवी, आई विल कम टू यू। लाहौटी साहब, अथीस्ट के बारे में सोचे, देखिए उसको हिंदू रिलीजन में तब्दील कर दे कि हिंदुत्व को बढ़ावा मिल रहा है, मतलब बेसिकली इतना कंफ्यूज कर दीजिए कि हम सब इस बात पर बहस करने लगे जो कि बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है। देखिए, प्रार्थना किसी भी भाषा में हो सकती है मौलाना साहब, उसको आप कल को अरबी में ले आइएगा, फिर उसको उर्दू में ले आइएगा, फारसी में ले आइएगा। जब शांति की बात हो रही है, अमन की बात हो रही है, जब सबको सुख समृद्धि देने की बात हो रही है, किसी को क्या दिक्कत हो सकती है मौलाना साहब? नहीं, रूबिका, एक चीज आपको यहाँ समझनी पड़ेगी। देखिए, आपने एक पीछे अपने वो बनाया, बच्चे हाथ जोड़े खड़े हैं, आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं। इस्लाम में इसका तस्वीर नहीं है, मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है, आपको याद होगा अभी योगा पर एक बड़ा कोहराम मचा था ओम के उच्चारण को लेकर, उसको बिल्कुल बाकायदा नकारा गया था दारुल उलूम की तरफ से भी और तमाम इस्लामिक विद्वानों की तरफ से कि हम योग में ओम का उच्चारण नहीं कर सकते। तो जब ओम का उच्चारण हम योग में नहीं कर सकते तो प्रार्थना में क्यों कर सकते हैं? ये इस्लाम के विरुद्ध है। दूसरी बात यह है कि इस तरह की बातें आप स्कूल में जब शुरू से लेकर चलेंगे, वो बच्चा जो केजी में पहुंचा है स्कूल में, जब वो ओम शब्द जपना शुरू करेगा तो उसका माइंडसेट कहाँ जाएगा? क्या वो इस्लामिक रिलीजियस को फॉलो कर पाएगा? जबकि वो चूंकि दीनी तालीम नहीं पढ़ रहा है, वो दुनियावी तालीम पढ़ रहा है, दीन के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, सिर्फ दुनियावी तालीम दुनियावी एजुकेशन हासिल कर रहा है। तो उसका कहीं ना कहीं माइंडसेट वही बनता जा रहा है कि आप जो है एक हिंदू संस्कृति में वो बच्चा पल और बढ़ रहा है, जो कहीं ना कहीं इस्लामिक रिलीजन और दूसरे धर्मों के भी खिलाफ है। ये मेरे मानने की बात है, क्योंकि हमारा जो बेसिक उसूल है वो ये है कि सबसे पहले कुरान की इस्लाम की तालीम दीजिए, उसके बाद दुनियावी तालीम चाहे जो कुछ भी पढ़ाइए। तो इस तरह की बातें करना ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जैसे मैडम ने भी कहा है और संविधान ने हमें इजाज़त दी है अपने धर्म पर आज़ादी के साथ अमल करने की, उसको प्रचार और प्रसार करने की। लेकिन ये नहीं कि हम हिंदू बच्चों को बैठकर मदरसों में ये पढ़ाएं कि खुदा एक है और खुदा के अलावा किसी की पूजा नहीं की जा सकती। यही सेम लागू होता है हिंदू धर्म और सिख धर्म के ऊपर भी। अव्वल तो जब आप अपनी बात कर रहे थे 5 बार तो ओम आपने बोल दिया, अब ओम बोलने से अगर आपका इस्लाम खतरे में आ जाता है तो मुझे समझ में नहीं आता है। बातें आप करिए, प्रार्थना में ओम बोल रहे हैं भाई, लोग वहां प्रार्थना में ओम बोल रहे हैं। ओम का मतलब ये थोड़ी है कि उन्होंने अपनी रूह में जज्ब कर लिया है। ओम कहने से क्या, मैं बचपन से ओम भूर भुवस्वः ये पढ़ती आई हूं। कहने से हिंदू हो जाता है कोई, भगवान कहने से कोई हिंदू बन जाता है? ऐसा नहीं है। मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती आई हूं, कहने से नहीं बनता, लेकिन उसको कंटिन्यू करने से, उसमें ध्यान करने से। नहीं नहीं, घनश्याम तिवारी थोड़े बड़े मुसलमान हो गए, आप बड़े हिंदू हो गए, आप कम, आप सबसे बड़े मुसलमान। ये समाजवादी के प्रवक्ता है लेकिन हिंदू भी तो है ना, उसके विरुद्ध बोल नहीं सकते मौलाना साहब, उसके विरुद्ध ये बोल ही नहीं सकते। ये ऐसे बोलेंगे, हम बात कर रहे हैं समाजवादी के प्रवक्ता होने के साथ साथ ये हिंदू है, चर्चाएं होनी चाहिए। और आप कहां, मतलब मेरे सच में समझ में नहीं आ रहा है, समझ में ना आए तो जरूरी नहीं ना, डिबेट हो सकता है। रूबिका, सारी बात आपके समझ में आए तो कैसे होगा? मदरसे में पढ़ाइए ना, अगर इस बात की इतनी जानकारी नहीं है आपको, तो इस पर भी एतराज है? आपको इस पर भी एतराज है? बिल्कुल एतराज है, हमें कोई एतराज नहीं। डिबेट चल रही है उस पर, मदरसों में 4% बच्चों को पढ़ाया जाता है, हमें कोई, आप लोगों को तो उस पर भी एतराज है। प्रोफेसर सिन्हा, देखिए, अगर ओम कहने से भारत का इस्लाम खतरे में आ रहा है, लेकिन दुनिया की नहीं, दूसरे रिलीजन भी, सुन लीजिए, दुनिया के लगभग 3 दर्जन इस्लामिक कंट्री का इस्लाम खतरे में नहीं है जहां पर ओम कहा जा रहा है, योगा किया जा रहा है। बहरीन का खतरा नहीं है, मलेशिया में खतरा नहीं है, इंडोनेशिया में खतरा नहीं है, भारत में मदरसा में पढ़ने वाले मुसलमानों का जरूर इस्लाम खतरे में पड़ जाता है। अब मैं आता हूं इस बात पर जो PIL डाला गया। देखिए, हर चीज के पीछे एक तर्क होता है, लॉजिक होता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? धर्म का है। देखिए, वास्तव में जो लोग ऐसा कर रहे हैं, दे आर द कॉलोनाइज्ड माइंड, उनका डिकोलोनाइजेशन आइडिया का हुआ ही नहीं है। देयर इज ए फंडामेंटल, माने मौलिक अंतर है रिलीजन और धर्मा में। जो भारत में धर्मा का कंसेप्ट है, जो विदेशों में वेस्टर्न में रिलीजन का कंसेप्ट है, वो सेमिटिक रिलीजन। यहाँ धर्मा एक मॉरल कंडक्ट से जुड़ा हुआ है, एक नैतिक आचरण से जुड़ा हुआ है, और जितनी प्रार्थनाएं हैं वो किसी एक धर्म विशेष की ओर, रिलीजन विशेष की ओर आने की जगह करने, जैसे घनश्याम तिवारी जी कह रहे थे, वो मॉरल कंडक्ट को ठीक करने की बात करती हैं। अब लीजिए, आप छोड़िए इसकी बात केंद्रीय विद्यालय की, स्काउट
स्काउट तो किसी हिंदू का नहीं है, स्काउट की स्थापना भारत में भी नहीं हुई, बाहर से आया है। स्काउट की प्रार्थना क्या है? दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर हमारी आत्मा को शुद्धता देना, स्काउट का भी प्रार्थना है। तो यह जो एथिस्ट हैं वे एथिस्ट हो सकते हैं, किसी धर्म किसी विशेष रिलीजन की पूजा नहीं करेंगे, भगवान मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, किसी रिचुअल में नहीं जाएंगे, लेकिन जब उनको मनोबल बढ़ाने की बात होती है। और एक और बात मैं कह दूं, यहाँ पर भारत में विद्या और अविद्या दो कॉन्सेप्ट है। अविद्या मैं आपके पास आगे आऊंगी। सही मुझे जानकारी मिल रही, लाहौटी साहब आप हमारे साथ बमुश्किल 5 या 6 मिनट रहेंगे, इसीलिए लाहौटी साहब जो वकील हैं पल्लवी शर्मा याचिकाकर्ता की, वो और आप, मैं आप दोनों को स्क्रीन पर रखना चाहती हूँ। इसको थोड़ा लीगली भी समझना जरूरी है, और फिर हमारी देश की सांस्कृतिक, जिनको हंसी उड़ानी है हंसा दे, जिनको हंसी उड़ानी है वो सच में हंस ले, जिनको हंसी उड़ानी है वो ये समझ ले कि कैसी बातों पर डिस्कशन हो रहा है, लेकिन ऐसी ही बातों पर डिस्कशन होगा। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि ये जो आपकी रगों में बहने वाली चीजें हैं इनको आप डाउन द ड्रेन कर देंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता है। आप बचपन से जिन चीजों से अपने आप को एसोसिएट करते आए हैं, बिकॉज आप एक अथीस्ट है, आप उसको हटा दीजिए। भाई हम तो धूप में नहीं खड़े रहना चाहते हैं। अरे तो आप मत जाइए फिर स्कूल। आप भगवान में यकीन नहीं करते, आप दूसरी चीजों में यकीन नहीं करते, तो फिर एजुकेशन सिस्टम में भी यकीन मत कीजिए ना। लाहौटी साहब, देखिए मैंने कहा ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। आपने सही बोला था कि कल ये लोग कहेंगे सत्यमेव जयते हटा दीजिए, कल ये इस टाइप की और बहुत सारी बातें करेंगे। क्या ये देश माइनॉरिटी के लिए है? सत्यमेव जयते किसी धर्म का हिस्सा है? उन लोगों को ये समझना चाहिए। आप तो मुझे कपड़ों से आप तो संस्कृत को भी तो किसी बात कर रहे हैं। आप संस्कृत को किससे जोड़ते हैं? कहां से आई? अरब से आई है संस्कृत? एक मिनट, कहां से आई है मौलाना साहब, मुझे बताइए ना। सत्यमेव जयते का मतलब क्या है? मैं कह रही हूँ संस्कृत। सत्यमेव जयते का मतलब क्या है? सच की जीत होती है। ये कोई धर्म का हिस्सा थोड़ी है? परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये धर्म का हिस्सा है। एक मिनट, कम से कम वकील होकर आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। कौन सज्जन है? मुझसे बात कीजिए। मैं मौलाना साजिद रशीदी बोल रहा हूँ सर। मौलाना साजिद रशीदी साहब, रुबेका लियाकत से बात कीजिए। मैं साजिद रशीदी बोल रहा हूँ सर। लाहौटी साहब, आप एक 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 पूर्ण न्यायाधीश नहीं, चाहे वो अभी के न्यायाधीश, जिनको सत्यमेव जयते का तर्जमा पता नहीं कि वो धर्म का हिस्सा है कि नहीं, मैं क्या जानूं उनको न्यायाधीश का तरीका? चाहे वो अभी के न्यायाधीशों में जब भी नहीं मानता, आप चाहे वो मौजूदा न्यायाधीशों में जब भी नहीं मानता, यही है। यही तो पहले भी नहीं लग रहे हैं वो। देश की व्यवस्था को नहीं, सत्यमेव जयते कौन से धर्म का हिस्सा है मुझे बताइए? सत्यमेव जयते का कौन से धर्म का हिस्सा है? सत्यमेव जयते का सोर्स कौन से धर्म का हिस्सा है? यार ये तो एक अश्लोक है जो जो बोला गया है। सच की जीत होती है, बात खत्म हो गई। उसको हिंदू धर्म से ये इस्लाम धर्म से कैसे जोड़ेंगे आप? लाहौटी साहब, जस्ट गिव मी 2 सेकंड्स। हां तो अस्तोमा सद्गमया क्या? ये जो भी सज्जन, नहीं सर एक सेकंड, मैं बात सज्जन से बात करूं। सज्जन मेरी बात सुन, नहीं रूबिका, अगर सत्यमेव जयते से कोई नहीं, आप रूबिका रूबिका मैं आपको ये बता दूं सर, ये कहने में आप आइए, उनके उच्चारण में क्या लिखा रहता है यहां का उच्चारण पीछे। ओम भी सल्ला होटी साहब। हां देखिए रूबिका, आपके चैनल पे जो सज्जन बोल रहे थे उनका दृष्टिकोण देखिए। वो कह रहे हैं ये सज्जन जो वकील के कपड़ों में बैठे हैं, ये शो करता है इनकी मानसिकता कि इतने ओछे। आपने आपसे बुरा कह दिया, मैंने मुझे काला कोट दिख रहा है तो मैंने कह दिया वकील के कपड़ों में बैठे हैं, इसमें कौन सा बुरा कह दिया सर आपसे? हाँ प्रोफेसर सिन्हा की बात पर मत आइए, ये तो एक मिनट में चिंगारी लगा देते हैं, इनकी बात पर मत आइए। आप क्या बात कर रहे हैं? वो बहुत वरिष्ठ, इन्होंने कह दिया आतंकवादी की तरह बात कर रहे हैं, आपने पकड़ लिया उनको। दिखाता है कि भारत को तोड़ने वाली शक्ति के लिए प्रतिनिधि बने हम न्यायाधीश का अपमान कर रहे हैं? नहीं मैंने क्या बुरा कह दिया? आप उसी मानसिकता का उपयोग कर रहे हैं। कहा कि काले कपड़ों में दिख रहे हैं वकील दिख रहे हैं, मैंने क्या बुरा कह दिया? कौन सा बुरा है? मौलाना इसी टोपी वाला मौलाना हूँ ना, लाहौटी साहब मैं कहूँगा, पहली बात मैं ये कहना चाहता था कि आपके चैनल पर इस प्रकार के लोग और इस दृष्टिकोण से कभी भी अपना विचार व्यक्त न कभी मैंने सुना न मैंने कभी देखा। मेरे को खुद अफसोस हो रहा है कि आपके चैनल पर इस प्रकार की भाषा बोली जा रही है। दूसरी बात जो सीरियस बात है, हमारे संविधान में आर्टिकल 21 भी है, और जैसे गौरव ने कहा और भी बहुत सारे हमारे संविधान में धाराएं आर्टिकल्स हैं, उनको एक टोटलिटी में देखना चाहिए। आर्टिकल 21 इतना विस्तृत है, उसको आप आर्टिकल 28 तक नहीं रख सकते।
और ये एक प्रैक्टिस का सवाल है, एक देश की संस्कृति, देश का जो बैकग्राउंड है। आज आपको मालूम है भारत भारत का मन जाता है क्यों इतना माना जाता है, भारत को इसलिए माना जाता है कि भारत की संस्कृति और भारत की सिविलाइजेशन, भारत की सिविलाइजेशन के कारण भारत को पूजा जाता है। ये नहीं, और ये सिर्फ भारत में ही हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति हमारे हाईएस्ट कोर्ट में जाकर इस प्रकार की पिटिशन 70-70 बार फाइल करे और कोई उसका एविडेंस नहीं है कि इस प्रकार की प्रार्थना से किसको आज समझ में आ रही है। प्रार्थना मुझे पल्लवी, I am talking to you personally now। पल्लवी कौन से स्कूल में पढ़ी हैं आप? मैं पढ़ी हूँ डलाउजी पब्लिक स्कूल। वहाँ प्रेयर्स नहीं होती थी? बिल्कुल होती थी। वहाँ किसी तरह की कोई भी प्रार्थना नहीं होती? बिल्कुल होती थी। आपको प्रार्थना करने से परेशानी हो जाती थी? आपकी साइंस कमजोर हो गई उससे? आपकी मैथ्स कमजोर हो गई? कैन आई रिस्पॉन्ड टू दैट नाउ? एक सेकेंड, बात ये नहीं है कि प्रार्थना का इम्पैक्ट क्या हो रहा है। आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि प्रार्थना तो फिर बिल्कुल अननेसेसरी है ना, क्योंकि उससे ना साइंटिफिक टेम्परमेंट प्रमोट हो रहा है, ना मेरी साइंस पे, ना मेरी मुझे ऊर्जा मिल रही है। पल्लवी, प्रार्थना मुझे शक्ति देती है। औरत की आवाज नहीं दबा सकते, औरत की आवाज नहीं दबा सकते आप, औरत की आवाज नहीं दबा सकते आप, नहीं औरत पर अत्याचार, नहीं नहीं औरत की आवाज नहीं दबा सकते, औरत की आवाज नहीं देती है वो, सिर्फ इसको ऐसे ही पूरी दुनिया साइंटिफिक है, मत दबाइए औरत की आवाज। आधुनिकता क्या है, वैज्ञानिकता क्या है, परिभाषा कौन सी? देखिए औरत की आवाज को दबाया जा रहा है, देखिए औरत की आवाज को दबाया जा रहा है। साइंटिफिक टेम्परमेंट बोलने तो दो, वो बोलेंगे तभी दो, बोलने तो दीजिए उनको, आप तो औरत की आवाज को दबा रहे हैं। अब सुनिए, अच्छा ये औरत की आवाज हो गई, रूबिका लियाकत औरत नहीं है? रूबिका क्या है? दो उदाहरण दे सकते हैं आपको, उसकी आवाज दबाने में आपको कोई शर्मिंदगी नहीं? आपको हम उस श्रेणी में रखते ही नहीं आपको, आप तो एंकर हैं। शर्म होती है जज साहब के साथ इसका व्यवहार नहीं करते हैं हमें दिए, जज साहब को बहुत शर्म दी उन्होंने पूजा कहता है उस प्लेज पर। पल्लवी क्या कहती हैं पहले मैं वो सुन लेती हूँ, उसके बाद में आगे। हर एक सांसद लेता है, हर एक विधायक लेता है, हर एक विधायक, हर एक सांसद, ठीक है। पल्लवी पहले तो सर आई हैव ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फॉर यू टू यू पल्लवी, हां 60 सेकंड्स अनइंटरप्टेड। थैंक यू मैम। So please take all my arguments with all due respect that I have for you as a senior. Having said that, sir, will you write it? आप अपने counter affidavit में ये जो आप बोल रहे हैं कि ये राम और ये उनका वो है, हमारी संस्कृति है, हिंदुइज्म ये है वो है, क्या आप counter affidavit में will you swear it and submit it to the Supreme Court in reply of this PIL that you should promote Hinduism, जैसे आपने अभी बोला, क्या आप counter affidavit में भी ये बात लिख के देंगे Supreme Court में? Yeah, I'll respond. Do it. उनको आवाज नहीं गई। नाउ कैन आई रिस्पॉन्ड पल्लवी? पल्लवी, द काउंटर एफिडेविट एज यू आर अ लॉयर यू आर अवेयर वुड बी प्रिपेयर्ड बाय द लॉ ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट, बट आई मस्ट टेल यू पूरी डिबेट में हमने क्या चर्चा करी। मैंने आर्टिकल 343 का उदाहरण दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, मैंने 8 शेड्यूल संविधान का दिखाया कि संस्कृत आइटम 17 पे रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है जो केंद्रीय विद्यालय में यूज हो रही है। सर लैंग्वेज पे डिस्कशन ही नहीं है, क्या मैंने स्टार्टिंग में बोला, मैंने पिटीशन पढ़ी है। मुझे रिस्पॉन्ड कर लेने दीजिए, आपने क्या PIL दाखिल किया? आपने क्या ये नहीं कहा है कि हिंदी प्रार्थना एक विशेष धर्म को बढ़ावा देती है? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, हिंदी प्रार्थना जो है एक धर्म विशिष्ट को बढ़ावा देती है, ये आपने PIL में दिया है कि नहीं दिया है? हमने भाषा की बात नहीं की है, वो प्रेयर जो है वो संस्कृत और हिंदी में है जो एक फैक्ट है, और हमने उसको ऐसे ही बोला है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का अगर आप रिवाइज एजुकेशन कोड पढ़ेंगे 2003 का जो ये बोलता है कि इस ये प्रार्थना संस्कृत और हिंदी में है। लैंग्वेज कहीं पे भी हमने डिस्प्यूट नहीं की है। मैं हमने इसी आधार पर कल कोई लैंग्वेज डिस्प्यूट कर सकता है? देखिए यदि आप किसी संगठन के नियमों को तार तार करना चाहेंगे, आप लैंग्वेज को कैसे उससे का फिर? अरे रूबिका बताइए, ये संस्कृत, अगर कुरान की आयत पढ़ने से सऊदी अरब बन जाएगा तो ओम का उच्चारण करने से हिंदू राष्ट्र में आएगा? फर्क नहीं पड़ता, क्या ये हिंदू राष्ट्र है? क्या ये हिंदू राष्ट्र है? अरे देश की संस्कृति में और धर्म में फर्क है मैडम, हिंदुस्तान संस्कृति और धर्म में फर्क है सर। आपकी आपका जो तर्क है, धर्म ही संस्कृति सिखाता है, वो तर्क धर्म ही संस्कृति सिखाता है। आप जो धर्म जिसके पास धर्म नहीं है उसके पास संस्कृति नहीं है, कि जहाँ आप
आप ये प्रार्थना संस्कृत में करते हैं कि हर घर में समृद्धि हो, हर एक स्कूल में कुरान का मतलब शुरू करवाइए, वे आप इसी बाइबल का मतलब शुरू करवाइए, आप स्कूलों को बांट लीजिए, एक में बाइबल हो, एक में कुरान हो, एक में गुरबानी हो, उसको क्या दिक्कत है? याचिकाकर्ता ने क्या करवाया, आप देख रहे हैं? भले नहीं नहीं मैम, बिल्कुल मुझे तो इसमें एजेंडा नजर आ रहा है, मुझे इसमें एजेंडा नजर आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन, सर पहले तो आई जस्ट वांट टू क्लियर दिस कि हम इस पीआईएल से ये बिल्कुल नहीं चाहते थे, अब ये मीडिया ने ऐसा बना दिया, किसी न्यूज चैनल ने बना दिया कि एक धर्म को हम वो कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम एक धर्म को प्रोपोगेट कर रहे हैं और दूसरे धर्म को हम बोल रहे हैं कि इनका क्यों नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपके जो याचिकाकर्ता है एथिस्ट महाशय जो है वो कुछ एडिशन कर देते हैं, वो इस पे क्यों अटके रहे कि प्रार्थना नहीं होनी चाहिए? अभी देखिए आज एक खबर सुनिए ना, आज सुनिए, मौलाना साहब रुक जाइए ना एक सेकंड के लिए, सब्र कीजिए, इन्नल्लाहु मा साबरीन, लेकिन आप तो इनके साथ रुक जाइए, मैं पूरे देश के साथ हूँ और मैं फक्र से कहूंगी कि मैं देश की संस्कृति के साथ हूँ, मुझे कोई नहीं बरगला सकता है, मुझे कोई अपने रास्ते से नहीं हिंदू नहीं है, बस इतना फर्क, नोबडी कैन डू दैट मौलाना साहब, आप भी नहीं कर पाएंगे और मैं आपकी आंखों में आंखें डालकर ये बात कहूंगी, फिर आप कहेंगे मेरे देश को लेकर कोई भी मुझे नहीं बरगला सकता है, कोई मौलाना खड़ा कर दीजिए, कोई पंडित खड़ा कर दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, माय कंट्री फॉर मी इज फर्स्ट, दैट्स इट, मेरी भी है, मैं अब लौट कर आती हूँ। मुझे ये बताइए कि वो साहब ये कह देते, अभी आज पता है खबर आई है कि कठपुतली से बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाएगा, घनश्याम तिवारी आप भी सुनेगा, प्रोफेसर सिन्हा कुछ वैल्यू एडिशन कर देते 2018 में है, आपके याचिकाकर्ता को यही क्यों सूझी? मैं क्यों ना मानूं कि कोई एजेंडा है इसके पीछे? अब ये बोलना कि यही क्यों सूझी और कुछ क्यों नहीं किया विल बी अ वेरी वेग क्वेश्चन, व्हाई? अगर सूझ गई तो उसमें कोई गलत भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल की कुछ राइट्स हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं जो किसी कम्युनिटी की राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं, अगर उन आर्टिकल्स का वायलेशन हो रहा है, किसी को वो राइट नहीं मिल रही और एक आदमी ने खड़े होकर आवाज उस पर उठा, आर्टिकल 28 जो मेन मुद्दा है जो हम लोग यहां बोल ही नहीं रहे हैं, बात ये नहीं है कि आप मुस्लिम की आयत क्यों नहीं पढ़ाते हैं, आप हिंदू का वो क्यों पढ़ा रहे हैं, बात ये बिल्कुल नहीं है, बात ये है कि आर्टिकल 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन है, a wholly state funded institution cannot impart religious instruction, chahe wo religious instruction, sir give me 10 seconds of my time please, sir when you spoke I did not interrupt, please 10 seconds, koi bhi religious instruction hindu muslim se please any religious instruction, ek second samjhe to sahi ki kya scene hai, dekhiye koi bhi religious instruction, aap professor se na bahut time se kuch kehna cha rahe hain, koi bhi religious instruction ho aap impart nahi kar sakte, rahi kendriya vidyalaya ki yahi to kuch nahi hai, kendriya vidyalaya ki baat hai, pallavi mein yahi to keh rahi hai, isme jo keh rahi hai usme ek bolish religion hai, lekin aap mujhe bataiye ki prayer se bada kaun sa religious instruction hota hai, inhone court ke samne daleel liye ki bachcho mein scientific temper होना चाहिए, उस दलील को प्रूव करने के लिए उन्होंने इस बात का सहारा लिया, अब ये सहारे को ही मुख्य दलील बता रही हैं। आपकी दलील ये थी कि इस प्रार्थना से बच्चों का साइंटिफिक टेंपर कम होता है, अब आप ये कह रही हैं कि नहीं हमारे हमारा हमारा या तो ये मेरी दलील आप अपने नहीं आपने गलत पकड़ा, आपने गलत पकड़ा, लेकिन मैं वैज्ञानिक साइंटिफिक टेंपरामेंट को परिभाषित करता हूँ। साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब होता है बच्चों में सरोकार पैदा करना, कंसर्न पैदा करना, बच्चों में सेंसिटिविटी पैदा करना, बच्चों में कम्युनिटेरियन लाइफ के लिए एक सेंस पैदा करना, और साइंटिफिक टेम्परामेंट का होता है कि अपनी बुद्धि और विवेक से चीजों को आंकना। अरे सर प्रार्थना करने के बाद कितने बच्चे घर पर जाकर ये बोल रहे थे मम्मी पापा मैंने ओम पढ़ लिया है अब मैं हिंदू बनना चाहता हूँ, ये देखिए देश की परंपरा को सांस्कृतिक धरोहर को मुंडकोपनिषद को आप धार्मिक ग्रंथ मानती हैं हिंदू धर्म का या एक इंटेलेक्चुअल लेगेसी मानती हैं, इंटेलेक्चुअल धरोहर मानती है, बता दीजिए उपनिषद मुंडकोपनिषद को। आई एम सॉरी सर मुझे तो पता नहीं, मुझे उपनिषद पता है एज अ होल क्या होता है, मुंडको उपनिषद को क्या मानती है, हिंदू धर्म का ग्रंथ मानती है कि इंटेलेक्चुअल लेगेसी भी मानती है? नहीं इट्स हिंदू धर्म का वो है,
उसी से आता है सत्यमेव जयते, हटा दीजिए चूंकि हिंदू धर्म से आता है। एक सेकंड, लेकिन उसका मीनिंग क्या है? नहीं मीनिंग क्या, पढ़ा लिखा आदमी इस तरह की बात है? प्रार्थना का मीनिंग क्या है? प्रार्थना का मीनिंग क्या है बताइए? प्रार्थना का मीनिंग मैं बता रहा हूं, बात मैं बता रहा हूं। सत्य में जैसे क्या है, धर्म का पाठ है क्या? स्कूल में जितनी प्रार्थना है सत्य में जैसे धर्म का पाठ है क्या? हमें हमें अविद्या से विद्या की ओर सच्चाई सिखाई जाती है। हमने संवेदना पैदा करो, सच्चाई सिखाई जाती है। हमें समानता पैदा करो, समानता भ्रातृत्व इक्वलिटी फ्रेटरनिटी और कल्चर की बात करना क्या है? ये साइंटिफिक डेवलपमेंट का क्या गेस्ट है आपका? साइंटिफिक मेरा भी क्वेश्चन आंसर कीजिए। हाँ, बोलिए, पूछिए पूछिए। जैसे हाँ, मैं आपका क्वेश्चन हाँ, आंसर कर रही हूँ, आप भी मेरा कीजिए। हमें विद्या से, हमें अंधकार के अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश की तरफ ले जाएं, जो फर्स्ट लाइन है इस प्रार्थना की, कौन ले जाएगा आप बताइए? इस प्रार्थना से क्या जनरेट होता है, कौन ले जाएगा? मैं कह रही हूँ टीचर। नहीं नहीं, तो आप गलत कह रही हैं। प्रेयर पढ़िए, प्रेयर में कॉस्मिक पावर से कहा गया है, आप सुन लीजिए। ओ लॉर्ड, भारत की संस्कृति में, भारत की संस्कृति की परंपरा में, आप जब बहस करेंगे मिलॉर्ड बोलेंगी ना, तो फिर वो आप भगवान से बहस कर रही होंगी। जब मैं माय लॉर्ड बोलूंगी तो आप भगवान से बहस कर रही हैं। रूबिका, मैं उससे एक बेहतर उदाहरण आपको दे रहा हूँ और ये पल्लवी से ही मेरा प्रश्न है। ओ लॉर्ड, ओ लॉर्ड, ओ लॉर्ड, अरे सर, ये कोई भी हो सकता है। लॉर्ड मींस अ डिवाइन सुपर, अरे कोई भी हो सकता है। ओ लॉर्ड, अरे कोई भी हो सकता है। ओ लॉर्ड, तो कोई भी हो सकता है। मैं किसी की नहीं, मैं अपने पापा के पास माय लॉर्ड से करके से लॉर्ड का मतलब क्या होता है? पल्लवी जो दिमाग में बहुत लॉजिक, बाकी लोग दिमाग में, अरे ओम नहीं होता, पूरे दुनिया दिमाग लॉजिक से ओम नहीं होता, उनके पास ही दिमाग कम से कम ओम नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं, कम से कम ओम नहीं होता। जो धर्म का हिस्सा मानता है कम से कम वो नहीं होता, नहीं सत्य में जेते पूरी दुनिया समझता होगा। और ओम को स्वीकार किया गया, मुस्लिम देव स्वीकार कर रहे हैं। मौलाना साहब, अच्छा मौलाना साहब एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। प्रोफेसर सिन्हा, रूबिका चुप कराएंगे तो मैं बोलूंगी। मैं एक उदाहरण प्रोफेसर है, क्योंकि हम लोग सर्वोच्च न्यायालय का हिस्सा है ये, सुनिए, बार बार हिंदू धर्म से जुड़े हैं। हम लोग को अपनी सत्ता बोल रहे हैं, हम लोग को बताइए, ये मुंड को पीसा से लिया गया, ये तो मंत्र तो पढ़िए, पूरा मंत्र तो पढ़ लीजिए। ये तो कहावत है कि सच्चाई से जीत होती है, वही तो कहावत है। धर्म का हिस्सा कौन है? तो कराएंगे तो हम लोग अपनी ईसाई में भी कहा जाता है, सिखों में भी कहा जाता है। आप खुद ही ने सारी चीजें देखी, संस्कृत का विरोध करेंगे, ओम का विरोध करेंगे, योग का विरोध करेंगे। रूबिका देखिए, हम लोग जुडिशरी की बात कर रहे हैं एंड पल्लवी मेरी कोलीग है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का मोटो क्या है? यतो धर्मस्तते जयः, ये भगवत गीता महाभारत से आया है और हर सर्वोच्च न्यायालय में लिखा है, हर जज की कुर्सी के पीछे यही लिखा होता है। तो क्या आप इसे धर्म से जोड़ देंगे? सेम वे सत्यमेव जयते, सही कह रहे थे राकेश सिन्हा जी, ये मुंडक उपनिषद से आया है, ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया का मोटो है। तो कुछ चीजें हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है, उपनिषद जोड़ के नहीं देखना चाहिए। अरे वही बात मैं उन्होंने बोली है, मौलाना साहब आप बहुत बहुत करती है, ये गवर्नमेंट के फंड से मिलती थी, सब्सिडी गवर्नमेंट के फंड से मिलती थी। आपको सिर्फ पल्लवी शर्मा की वकालत करने में जाए, मैं सच्ची बात के साथ, मैं सच बात के साथ, और गौरव भाटिया के खिलाफत के लिए, हिंदू सत्य आपका होता है, मेरा नहीं होता, अरे आपका होता है, मेरा नहीं होता है, मेरा तो अल्लाह कहने से होता है, मेरा अल्लाह कहने से होता है, उसमें दिक्कत क्या है आपको? मैं तो अल्लाह कहूंगा। और जब हम संविधान की बात करते हैं तो ये करने नहीं देते हैं। संविधान की बात करेंगे लेकिन उसमें सेलेक्टिव चीजें आप, इसको हिंदू राष्ट्र बना दो, संविधान को खत्म कर दो भाई गौरव भाटिया, ये संविधान को खत्म कर दो, हिंदू राष्ट्र बना दो इसको, क्यों बार बार आप संविधान की दुहाई देते हो? संविधान को मानते हो आपका वेद? आप संविधान को मानते हो? आप संविधान को मानते हो? धार्मिक किताब है, धार्मिक किताब है, धार्मिक किताब है, लेकिन हिंदू हिंदू की किताब नहीं है, सनातन धर्म की किताब है।
किताब नहीं है, हिंदू धर्म की किताब नहीं है, सनातन धर्म की किताब है, सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, हिंदू कहाँ हिंदू ले आया? मोहन भागवत कहते हैं हिंदू, ये कह रहे हैं हिंदू, गौरव भाटिया कह रहे हैं क्या है हिंदू भाई, हिंदू कुछ भी नहीं है। हर मुद्दे को नॉन सेंस हिंदू सुने बोला ना साहब, हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान के खाके में डालना चाहिए। यही नहीं बात है, मैं बच्चों को सिखा रहा था, उस बच्चे ने मुझसे पूछा, सुनिए धर्म ही नहीं है प्रार्थना और साइंस हिंदू टेंपल का आपको उदाहरण देता हूँ। बच्चे ने पूछा कि अच्छा ये बताइए जब भगवान छोटे थे तो उस समय भगवान कौन थे, तो साइंटिफिक टेंपर कहीं से भी शुरू होता है उसके में उसमें अच्छी जिज्ञासा होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए और अच्छा लॉजिक अच्छा रीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो हर मुद्दे को हिंदू भगवान के खाते में डाल देते हैं, इस्लाम इसको नहीं मानता, जो कहां बताए इसे हम कहते हैं कि इस्लाम का तो मुद्दा ही नहीं है मौलाना साहब, इस्लाम तो जिहाद सिखा रहा है, बच्चे नहीं जानते, आप जिहाद सिखाए ऐसा ही पैदा कर रहे हैं, तब तो आपको याद नहीं आया। किसी ने अच्छी डाली तो मैं आपको एक पूछ रहा हूं, सच्ची तलाक से हाथ है, सच्ची घटना बता रही हूँ। और मौलाना साहब मैं आपको ये बकायदा, आप और मैं तो संपर्क में रहते ना फोन पर भी, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगी, आप सुनिए। आप एक फतवा आया कि वंदे मातरम जन गण मन नहीं गाना है और ये अलीगढ़ का कोई जनगण मन पे कोई, सुनिए ना सुनिए, मैं बता रही हूँ ना मेरे साथ हुआ है ये। मैं उस वो जो मौलाना साहब हैं वो शायद अलीगढ़ के हैं, मुझे याद करना पड़ेगा, एकदम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो आए स्क्रीन पर मेरे साथ बहस करने लगे, उनके स्पोक्स पर्सन थे वो, ठीक है। तो मैंने उनसे कहा कि आपने ये फतवा जारी किया, तो उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने मौलाना साहब ने जारी किया जनगण मन पे, वंदे मातरम पर, वंदे मातरम, सुनिए ना वंदे मातरम। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया, तो आपने फतवा जारी किया है साहब, तो ये बताइए कि आपकी औलादे हैं? तो उन्होंने कहा माशाल्लाह से मेरी दो औलादे हैं, दो बच्चे हैं मेरे। मैंने कहा अच्छा, और जिन्होंने फतवा जारी किया उनके? बोले उनके भी तीन बच्चे हैं। ये मैं डिजिट में इधर उधर हो सकता है लेकिन ये, तो मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया, ये पढ़ते कहाँ हैं? तो ये जो साहब मेरे साथ बैठे हुए थे और जो मौलाना जिन्होंने फतवा जारी किया, इन दोनों के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे वहां पर। और वहां मैंने स्कूल में फोन करके पूछा तो वहां वंदे मातरम होता है, वहां पर बाकायदा प्रेयर होती है, वहां पर इंग्लिश में भी प्रेयर होती है, हिंदू हिंदी में भी प्रेयर होती है और वंदे मातरम भी गाया जाता है। उनके बच्चे साहब बहुत मजे में गाएंगे पढ़ेंगे, लेकिन फतवा जारी करेंगे वो पकड़ेंगे, ठीक है। आप ये कहना चाहते हैं आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, मदरसे में पढ़ते हैं मौलाना साहब? मैं आपके साथ दिया करिए, मुझे 30 सेकंड दीजिए, मुझे बताइए ना, मुझे 30 सेकंड दीजिए, आपके बच्चे पढ़ते हैं कहाँ पढ़ते हैं, 30 सेकंड दीजिए। अगर मैं मौलाना साजिद रशीदी एज ए प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन अगर शराब पीता हूँ तो वो जायज़ नहीं हो जाएगी, सुन लीजिए एक बात, अगर मैं जिना करता हूँ तो वो जायज़ नहीं हो जाएगा, चाहे वो मुफ्ती हो मौलाना हो कितना भी बड़ा आदमी। लेकिन आप फतवा जारी करके बाकियों को फंसा देंगे, हमारे लिए मिसाल नहीं हो सकता, हमारे लिए मिसाल नहीं हो सकता। अगर एक आदमी गलती कर रहा है और फतवा दे रहा है, हमारे लिए मिसाल नहीं हो सकता। किसके बच्चे जो नहीं पढ़ेंगे, मेरे बच्चे तो मदरसे में पढ़ते हैं, दो बच्चे हाफिज हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसे में कुरान सुनाऊंगा आपको, मदरसे में ही पढ़ते हैं, कुरान सुनाऊंगा आपको, मदरसे में ही पढ़ते हैं। अरे कुरान तो मदरसे में पढ़ाया जाता है भाई, स्कूल में तो पढ़ाया नहीं जाता, नहीं किसी और स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता ना कुरान, स्कूल में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? मैं कह रहा हूँ नहीं पढ़ते हैं, स्कूल में नहीं, मेरे दो बच्चे कुरान हाफिज हुए अल्हम्दुलिल्लाह। वो नहीं, मुझे बताइए आपके बच्चे स्कूल में गए हैं कि नहीं पढ़े, कौन सी बात होगी भाई, जबरदस्ती कह दूं? हां बताइए, जबरदस्ती कह दूं उस चीज को? मैं कह रहा हूँ मेरे दो बच्चे हाफिज कुरान हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आपसे कुरान सुनवाऊंगा मैं, कुरान पढ़ूंगा मदरसे में, कुरान सीखना और स्कूल जाने में, आप तो नहीं चाहते कुरान भी सिखाया जाए, आप नहीं चाहते मदरसे में कुरान भी सिखाया जाए, कल आपके एक आदमी ने कह दिया टेररिज्म सिखाया जाता है, टेररिज्म सिखाया जाता है मदरसों में, भारत को भारत रहने नहीं दिया जाए, नहीं जाते आपके बच्चे? अरे मेरे बच्चे दो हाफिज हुए, मैं क्या कहूँ, मेरे दस बच्चे हैं, मैं क्या बताऊँ, दस बच्चे दो वहाँ जाते हैं, दो वहाँ जाते हैं, आप क्या कहलवाना चाहते हैं? स्कूल जाते हैं? अच्छा मैं आपकी बात कहता हूँ, चलिए क्या कहूँ, स्कूल जाते हैं, क्या कहूँ, स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते हैं, अच्छा स्कूल जाते हैं, चलिए बताइए स्कूल कौन से स्कूल जाते हैं, जिसमें आप कहो उसमें जाते हैं, फंस गए मौलाना साहब, ये कौन सी बात है? अरे मैं कहता हूँ दो बच्चे मेरे हाफिज कुरान होगा, आप जबरदस्ती कहलवाना चाहते हैं, कहाँ जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, मैं कह देता हूँ भाई, अगर आपकी तबीयत को खुश रूबी का तो मैं कह देता हूँ, वो श्लोक सर्वोच्च न्यायालय पर रूबी का लियाकत के बच्चे ना पढ़े, किसी मोहम्मद नहीं कर सकते, रशीदी के बच्चे पढ़े नहीं कर सकते, प्रार्थना ना पढ़े हमारे बच्चे, नहीं बहुत बढ़िया सर, ये मत कीजिए, हिपोक्रेसी कहलाती है ये।
कि आप मजे में रहे, काजू बादाम खाएं और बाकियों को मूंगफली खिलाएं। दिस इज नहीं नहीं ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं चल सकता है। आज एक्सपोज हो गए मौलाना साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।